आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है कि नायसिनामाइड क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अशफा नासी चीमा। मैं एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ। नायसिनामाइड सीरम की बात हो रही है। नायसिनामाइड, जिसे निकोटिनामाइड भी कहते हैं, बेसिकली ये एक विटामिन है, विटामिन B3। ये ओरल फॉर्म में लेते हैं और बेसिकली ये हमारी कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये डाइटरी सप्लीमेंट जिसमें पाया जाता है। कौन से फूड? जैसे कि रेड मीट, चिकन, पोल्ट्री, फिश, एग्स और नट्स वगैरह। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए हमारी डाइट में तो पेलेग्रा एक स्किन डिजीज़ है जो कि रैश फॉर्म में आती है, उसमें हो जाता है। लेकिन आज जो हम बात करें वो हम टॉपिकल नायसिनामाइड, ऊपर जिल्द पे लगाने वाला नायसिनामाइड, उसकी बात कर रहे हैं जिसकी बहुत हाइप है, नायसिनामाइड सीरम। नायसिनामाइड सीरम स्किन पे कब लगाना चाहिए और किन स्किन टाइप पे लगाना चाहिए, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी। नायसिनामाइड, जो कि मैंने आपको बताया कि एक विटामिन की टाइप है, वो बेसिकली ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो टाइट करता है पोर्स को, जो जिनके स्किन पे बहुत ओपन पोर्स होते हैं, बेसिकली पोर्स को श्रिंक करता है, मिनिमाइज़ करता है। उसके अलावा ऑयल को कंट्रोल करता है, ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, और उसके अलावा ब्लैमिशेस और जो थोड़े बहुत टैनिंग और इस तरह की चीज़ है उसको भी थोड़ा बेहतर करता है। इतना ज़्यादा अच्छा उसका इफ़ेक्ट नहीं है ब्राइटनिंग में जितना कि विटामिन सी का होता है, लेकिन ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट इसका भी है। नायसिनामाइड स्किन टेक्सचर को भी बेहतर करता है। बेसिकली इसका मैकेनिज्म ये होता है कि स्किन में कॉलेजन इंडक्शन करता है, उस कॉलेजन इंडक्शन की वजह से ही पोर्स मिनिमाइज होते हैं, स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है, और ये मेलानोसाइट से ट्रांसफ़र नहीं करता मेलानिन को टुवर्ड्स द कैरोटिनोसाइट्स। तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत जो इसका इफ़ेक्ट है कि ये ब्लैमिशेस को, सन स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन में इफ़ेक्ट करता है और ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये स्किन बैरियर में एक अच्छा रोल प्ले करता है, स्किन बैरियर को बेहतर करता है, और इची स्किन, फ्लेकी स्किन और थोड़े जैसे एक्नी, रोजेशिया, एग्जिमा के पेशेंट में भी इसका अच्छा टॉपिकल इफेक्ट है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो बेसिकली आपने कब लगाना है, यू कैन अप्लाई ट्वाइस डेली, और आप इसे डैम फेस पे भी लगा सकते हैं, और बिल्कुल 1 to 2, 2 to 3 ड्रॉप्स लगाने हैं आपने। डैम फेस पे भी लगा सकते हैं, ड्राई पे भी लगा सकते हैं, और हल्का सा आपने इसे मसाज करना है इनटू द स्किन। और एक्नी, रोजेशिया, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस है उसके लिए पोर्स टाइट करने हैं, थोड़ा ऑयल कंट्रोल करना है आपने, और बेसिकली ये जैक ऑफ ऑल है तो इसके ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। लेकिन किन स्किन में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए? अगर बहुत ड्राई स्किन है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इरीटेटेड स्किन है तो उसमें इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, और ऑलरेडी अगर स्किन बहुत ड्राई होगी तो ये इरीटेट कर सकता है, बर्निंग कर सकता है, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। नायसिनामाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन सेंसिटिविटी को बढ़ा भी सकता है, अगर बहुत एक्स्ट्रा इरिटेटेड स्किन पे लगा लें या बहुत ड्राई स्किन पे लगा लें, या फिर अगर आप नायसिनामाइड के साथ ही विटामिन सी सीरम को ऐड कर लें, तो क्योंकि वो एक एसिडिक है, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, तो वो केमिकल रिएक्शन करके स्किन को ज़्यादा इरीटेट कर सकता है। तो इसलिए आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ इसे कम्बाइन कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ऑयली स्किन हो तो आप नाइट पे रेटिनॉल सीरम और मॉर्निंग में नायसिनामाइड सीरम ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्किन टाइप के लिए लगाना है और आपका मकसद क्या है इसको लगाने का। इस टॉपिक के बारे में अगर आप मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल भेज सकते हैं, या अगर आप मेरी ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम से कॉन्टैक्ट करें।